वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सुपर विलेन थॉर द गॉड बुचर के ओरिजिन का अन्वेषण कर रहे हैं। थॉर लव एंड थंडर में आपने इस पात्र का लाइव एक्शन डेब्यू तो देख ही लिया होगा, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कोई स्लेयर ऑफ गॉड्स बन जाता है। क्या ऐसा कोई विलेन है जिसे आप एमसीयू को खतरा देते हुए देखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए पेश कर रहे हैं गॉर द गॉड बुचर। गौर के ग्रह पर नेचुरल डिजास्टर्स कॉमन थे, भोजन और पानी जैसे बेसिक रिसोर्सेज की भी कमी थी। ऐसे निराशाजनक माहौल में गौर ही अपने फैमिली के लिए प्रदाता थे। ऐसी चीज जो उसे हिम्मत देती थी वो थी उनके पत्नी की आश्वासन कि उनके देवता उनकी प्रार्थना सुनेंगे और उनकी रक्षा भी करेंगे, लेकिन कोई भी दैवीय प्राणी उनकी मदद के लिए नहीं आता है। समय के साथ गौर अपने परिवार के हर एक सदस्य को भुखमरी, बीमारी या कठोर संदर्भ के कारण खो देता है। गौर इस बात को सबूत मान लेता है कि उसके परिवार ने जिस देवताओं की प्रार्थना की वे असल में है ही नहीं। इसके इस अपवित्र विचारों के कारण उसे एक्साइल कर दिया जाता है और तब ऐसा लगता है कि गौर अकेले ही समाप्त हो जाएगा। उसे ऐसा मौका मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। अकेले संघर्ष करते समय गौर ने एक शक्तिशाली देवता को नल के साथ लड़ते देखा था जो एक डाक देवता जैसा ही प्रतीत होता था। The King in Black, Lord of the Abyss, The Void. But his real name was Null. यदि आपको ये नाम जाना पहचाना नहीं लगता है तो नल के क्रिएशंस में से एक को आप जरूर जानते होंगे। नल वेनम जैसे सिम्बायोट्स के लिए जिम्मेदार था। गैलेक्सी में ऐसे एलियंस को लाने से पहले नल ने एक शक्तिशाली सिम्बायोटिक वेपन बनाया जो ऑल ब्लैक के नाम से जाना जाता है। So from his own shadow, Null created four perfect weapons. His weapons were not just tools, they were life forms. ये वेरिएबल सिम्बायट सोर्ड और आर्मर जैसे चीजों का रूप लेके यूजर्स को अद्भुत शक्तियां प्रदान करता है। नल ने अपने डार्क रेल्म में प्रकाश लाने वाले सेलेस्टियल्स को हराकर ये दिखाया कि उसका वेपन कितना इफेक्टिव है। बस विडंबना यही है कि नल के दुश्मन का मृत शरीर नोवेयर नाम का एक लाइवली प्लैनेट बन जाता है। हालांकि ये डार्क गॉड ने अन्य देवताओं से जंग जारी रखी। इसके राइवल गॉड ऑफ लाइट के साथ हुई लड़ाई में वो गंभीर रूप से घायल हुआ और गौर के होम प्लैनेट में जा गिरा। नल और उसके दुश्मन को देखना गौर के लिए, जिसने इतना कष्ट सहा, एक आंखें खोल देने वाली घटना थी। गौर को महसूस हुआ कि उसके जीवन में गॉड लाइक बींग्स मौजूद थे, लेकिन हमेशा उसकी और उसके परिवार के प्रार्थनाओं की उपेक्षा करते रहे। गौर इस बात पर इतना क्रोधित था कि जब एक लाइट वॉरियर ने गौर से मदद मांगी, तब गौर ने उस अवसर को नल से ऑल ब्लैक चुराने के लिए इस्तेमाल किया। जीवित डार्कनेस के वेपन के साथ गौर ने सिम्बायट से एक डैगर भी बनवाया और गॉड ऑफ लाइट की हत्या कर दी और तुरंत ऑल ब्लैक की मदद से अपने प्लैनेट से जुड़ गया। गौर के पहले उड़ान भरने के बहुत समय बाद एक जवान और अहंकारी थॉर धरती पर आइस जायंट्स पर विजय प्राप्त करने का जश्न मना रहा था। अचानक आसपास के एक देवता के अवशेष पाए जाते हैं। शुरू में थॉर ग्रामीणों की चिंता को खारिज कर देता है और उन्हें आश्वासन देता है कि कोई भी ताकत उसकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन ये वाक्य अहंकारी निकला। AD में थॉर और कुछ वाइकिंग्स स्लाविक वॉरियर्स के एक समूह से लड़ने के लिए निकले, जिन्होंने अपने देवताओं को उनकी रक्षा करने के लिए बुलाया। तूफानों के स्लाविक गॉड पेरन के पंख वाले घोड़े को देखकर स्लैव्स भ्रमित हो गए। थॉर खतरे के उस पार एक और मृत देवता और गौर द गॉड बुचर को देखता है। एक अच्छी लड़ाई के बावजूद असगार्डियन अपने दुश्मनों पर काबू नहीं पा सका। निराश होकर वह आखिरी सेकंड में उन्हें अलग करने के लिए थंडर को बुलाता है। What were you the god of again? घायल थॉर कई दिनों तक आराम करने के बाद जागता है और तुरंत गौर की तलाश में निकल पड़ता है। दुर्भाग्य से गौर ने थॉर को जंजीरों से बांध रखा है और कई दिनों तक देवताओं को पीड़ा देता रहा। How much longer do you think we'll be here?
पर थॉर अपनी हिम्मत हारने वाला कहां था जब योद्धाओं का एक ग्रुप वहां पहुंचकर थॉर को अचानक बैकअप देता है। थॉर हमेशा के लिए हॉर को समाप्त करने के लिए अपने आप को संभालता है और अपना एक्स उठाता है। शुरू में एस्गार्डियन को लगता है कि उसने द बुचर को मार डाला, लेकिन थॉर वही गलती कर देता है जो वह बाद में इन्फिनिटी वॉर में भी करेगा। दुर्भाग्य से गौर बच जाता है और एस्गार्डियन और कॉस्मोस के अन्य देवताओं से बदला लेने की योजना बनाता है। जब एवेंजर एरा थॉर एक एलियन प्लैनेट पर कष्ट सह रहे लोगों को बारिश और पानी प्रदान करने जाता है, तब उसने देखा कि उनके देवता मारे गए थे। जल्द ही एस्गार्डियन ये समझ जाता है कि उसके पीछे गौर का ही हाथ है। थॉर पीड़ित और मृत देवताओं के ट्रेल को फॉलो करके गौर को पकड़ने निकलता है। भविष्यकाल में एक बूढ़ा थॉर गौर के मिनियंस से घिरे हुए नष्ट एस्गार्ड पर एक देवता की मौत मरने की कसम खाता है, लेकिन ये क्रूर दुश्मन एस्गार्डियन को मरने नहीं देता। He is anxious, angry. He feels tremendous loss and guilt. मामले को और उलझाते हुए गौर सारे गॉड्स ऑफ टाइम की हत्या कर देता है और विभिन्न एराज में पहुंचने में सक्षम हो जाता है। ये सैडिस्टिक विलन वाइकिंग एरा से जवान थॉर को ढूंढकर पीड़ा देता है। सौभाग्य से एवेंजर थॉर बुचर का पीछा करके उसे भविष्यकाल में पहुंचा देता है। आखिरकार गॉड ऑफ थंडर के तीनों वर्जन्स एकजुट होकर बुचर के पागल प्लान को रोकते हैं। गौर ने गॉड बॉम्ब नाम के एक डिविनिटी वेपन को डिटोनेट करना चाहा, जो अब तक मौजूद और आगे मौजूद होने वाले देवताओं को मार सकता है। सारे हीरोज के बेहतरीन प्रयास के बावजूद वो वेपन डिटोनेट हो जाता है। इससे पहले कि सारे देवताओं का अस्तित्व मिट जाए, एवेंजर्स एरा का थॉर आगे बढ़ता है और उस ब्लास्ट के सारे शक्तियों को अब्सॉर्ब कर लेता है। It'll kill you. ये डेस्पिरेट और एपिक चाल काम आ जाती है। इस ब्लास्ट के परिणाम में थॉर ने पहली बार अपने दुश्मनों के खिलाफ की गई गलती को सुधारा और बुचर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। What did you do? I went for the head. लेकिन ये सिर्फ गौर के एक वर्जन का अंत था। थॉर लव एंड थंडर में क्रिस्टियन बेल ने इस घातक और खूंखार गौर की भूमिका निभाई है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो अपने फोन के सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। हालांकि बुचर का ओरिजिन निस्संदेह दुखद है, उसने ऑल ब्लैक का इस्तेमाल करके जो भी कार्य किया उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि गौर की क्रूरता, उसके देवताओं पर घृणा और अविश्वसनीय शक्तियों ने ही उसे थॉर के लिए एक अनुकूल दुश्मन बनाया है। ये सोचना एक्साइटिंग है कि अब लव एंड थंडर में प्रदर्शित होने के बाद ये रीसेंट विलन और कहां दिखाई दे सकता है। यदि गौर आपके अड़ोस पड़ोस में दिखाई देता है तो बस प्रार्थना करें कि वो आपको भगवान ना समझ ले। We are not gods. We are born, we live, we die, just as humans do. Give or take 5,000 years. क्या आप हमारे इस पिक से सहमत हैं? वॉच मोजो के अन्य रीसेंट क्लिप को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।